जल्दी बताओ लाइन कैसे करता है। वेरी गुड। मम्मा डर गई, मम्मा डर गई। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मा एंड शिवाय। अभी है सुबह सुबह का टाइम और शिवाय बहुत ज्यादा बिजी है पूजा के अंदर, तो चलो चेक करते हैं वो पूजा के अंदर क्या कर रहा है। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो बताओ। कौन सा डिजाइन बनना है यहाँ पे शिवाय? तुमने मेरी सारी माचिस तोड़ दी। आज आपने मम्मा से कितनी माचिस ली थी? टू माचिस ली थी आपने, दोनों तोड़ दी। क्यों तोड़ी? माचिस तोड़ते हैं कोई? नहीं मिलेगा, पापा डांटते हैं ना फिर। और अभी बारिश थोड़ी ना हो रही है, जब रेन रेन होगी तभी तो हम अम्ब्रेला यूज करते हैं। पहले जय जय कर दो, चलो जय जय करो। चलो ब्लेस, भगवान जी को खिला दो ग्रेप्स, भगवान जी को खिला दो। खिला दो, भगवान जी को भी खिला दो। वेरी गुड। उनको भी खिला दो। यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को धोने के बाद सुखाने के लिए रखा हुआ है, एंड इन सब्जियों को मुझे शिवाय से छुपा कर रखना पड़ता है क्योंकि शिवाय को आजकल मटर छीलने का बहुत ज़्यादा शौक हो गया है, एंड वो सारी मटर छीलने के बाद ख़राब कर देता है, मुझे एक भी नहीं मिलती है इसलिए मुझे छुपानी पड़ती है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बीन्स की सब्ज़ी। तो बीन्स की सब्ज़ी बनाना बहुत ईजी है, आपको उबले हुए आलू चाहिए, टमाटर प्याज चाहिए और बहुत अच्छे से बहुत ही डिलीशियस सब्जी आपकी रेडी हो जाती है। मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी भी है, अगर आप देखना चाहते हो तो आप वहाँ चेक कर सकते हो। एंड मैं आपको बताना चाहूँगी कि बीन्स के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। बीन्स में B12 होता है जो कि आपकी फैमिली की डाइट में ज़रूर होना चाहिए। ये ना तुम जो खराब कर रहे हो ना, ये कैप्चर हो रहा है। अब और अनार नहीं देगी मम्मी शिवाय को, ठीक है? ये तुमने जो गंदा करो ना शिवाय, सफाई भी तुम ही करोगे आज। आज मैं बनाऊंगी हरी मिर्च का इंस्टेंट अचार। तो ये हरी मिर्च मैंने अच्छे से धोने के बाद सुखा ली है, जिनको सबसे पहले हम कट करेंगे। जनरली एक कट में भी काम हो जाता है, बट एक कट में आपका मसाला अच्छे से नहीं जाता, तो मैंने दो कट लगाए हुए हैं ताकि इसमें अच्छे से मसाला जाए पूरी मिर्च के अंदर। सारी मिर्च इस तरह से आपको कट करनी है, और यहाँ पे देखो आप मेरी सारी मिर्च अच्छे से कट गए हैं। अब हम चलते हैं इसको प्रिपेयर करने के लिए। तो मसालों में मैंने यहाँ पे लिया है धनिया पाउडर, इसके अलावा राई लगेगी थोड़ी सी, इसके अलावा मैं इसमें हल्दी डालूंगी, थोड़ी सी सौंफ डालूंगी और नमक चाहिए होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, कढ़ाई में डालेंगे तेल और इसको गरम कर लेते हैं। जब आपका तेल गरम हो जाए तो सारे मसाले आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। मैंने सारे मसाले यहाँ पे 2 चम्मच की क्वांटिटी से लिए हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो गैस की फ्लेम है वो मीडियम से लो के बीच में हो, अदरवाइज आपके मसाले जल जाएंगे। You didn't know it.
तेल मैंने इसके अंदर और ऐड किया है एंड तेल डालने के बाद मैं इसको फिर से मिक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हो जितने मसाले मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं वो मिर्च के अंदर प्रॉपरली फिल हो गए हैं एंड इस तरह से आप अपने घर में इंस्टेंट मिर्च का अचार बना सकते हो। यहाँ पे मेरा अचार रेडी हो गया है। अब मैं इसको स्टोर करने की बात करती हूँ, तो ये क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है तो आप इसको 10 से 15 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो। यहाँ पे मैंने कांच का डब्बा यूज़ किया है, जनरली जैसे हम लोगों के घर में जैम का डब्बा होता है तो उसके अंदर ही अचार अच्छे से आ जाता है एंड कांच के जार में ज़्यादा रखना मैं प्रेफर करती हूँ। सो ये यम्मी अचार रेडी है। आपने क्या किया बेटा? ब्रोकली शिवाय गंदा गंदा। हाँ अब करो इसके ऊपर बैठ के। व्हील ऑन द बस गोस राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड द व्हील्स ऑन द बस गोस राउंड एंड राउंड All through the town, the wipers on the bus go swish, 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 swish. Shwee, the people on the bus goes up and down, up and down, up and down. The people on the bus goes up and down, all through the town. Shwee, the baby on the bus goes wah wah wah, wah wah wah. Wah wah wah, Shwee. The baby on the bus says wah 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 all through the town. The mommy on the bus says shh 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 shh. The mommy on the bus says shh 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 all through the town. आज आओ सीधे करके आओ। श्वेत इधर आओ। श्वेत लाइन कैसे करते हैं? लाइन कैसे करते हैं पहले बताओ। श्वेत लाइन कैसे करते हैं जल्दी बताओ। लाइन कैसे करता है? ओह वेरी गुड। ओह मम्मा डर गई, मम्मा डर गई। सो रिसेंटली मैंने परचेज किए हैं ये कुछ ऑर्गेनाइजर्स। अभी जब मॉल पे सेल लगी हुई थी तो मुझे शिवाय के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी, तो मैं और शिवाय के पापा गए थे मॉल एंड बहुत सारा सामान लाए थे, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा घर की चीजें लाए थे। तो ये ऑर्गेनाइजर्स मुझे वहां पर दिखे एंड मैंने ये वहां से परचेज किए। तो ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स आप अलमीरा में रख सकते हो, जैसे आपको अपने बच्चे के सॉक्स रखने हैं या उसके रुमाल रखने हैं, बनियान रखने हैं, तो छोटे छोटे कपड़ों के लिए आ सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपके पास कुछ एसेसरीज होती हैं वो इसके अंदर आप रख सकते हो, आपके हस्बैंड के रुमाल रख सकते हो, सॉक्स रख सकते हो। तो ये पर्पज से मैं ये चार ऑर्गेनाइजर्स लाई थी। अब इसके अंदर ना जो कवर होता है वो भी नहीं है, वो शिवाय ने पता नहीं कहाँ फेंक दिया। तो ये चार ऑर्गेनाइजर्स मैं लाई थी एंड मुझे काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे मिले।
इसके अलावा मैंने शिवाय के लिए कुछ समर की शॉपिंग भी करी है, कुछ फर्स्ट क्राई से करी है, कुछ लाइफस्टाइल से खरीदी है, कुछ मैंने मैक से खरीदे हैं। तो अभी रिसेंटली मैंने शिवाय के लिए बहुत सारी शॉपिंग करी है। इसका मैं हॉल डालूंगी, समर शॉपिंग हॉल, बट अभी मुझे उसके लिए टाइम नहीं मिल रहा है। तो कुछ मैंने उसके लिए बॉटम्स खरीदी है, इसके अलावा बहुत सारी टी शर्ट्स खरीदी हैं, कुछ हाफ स्लीव्स हैं, कुछ फुल स्लीव्स हैं, एंड थोड़ा मैंने कलर का ध्यान रखने की कोशिश करी है ज़्यादा। वैसे अभी भी आपको ब्लू नज़र आएगा, अंदर नीचे की तरफ देखो, नीचे सारे ब्लू ब्लू हैं, बट मैंने कुछ येलो खरीदे, कुछ ग्रीन खरीदे, ताकि शिवाय के पास थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हो जाएं। तो इसका हॉल जल्दी आएगा, आई विल अपडेट यू सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।